साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर जी गाड़ी और विधायक खतौली की गाड़ी पर कल पथराव हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। भाई एक है, वहाँ के विधायक है मैं, मदन भैया, जनप्रतिनिधि थे, तो अपने क्षेत्र में आवोगे नहीं मैं। और इस तरह का किसी ने भी करा, जो कोई भी असामाजिक तत्व हो, जो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहता, किसके सहारे में ऐसी बात करी। भाई इनके लोगों की आवाज़ क्यों दबावे में, इसका मकसद क्या है? किसी गाड़ी पर पथराव करना, वो करना, ये सब इनकी जो क्षेत्र के जो भाजपा के में है, जिनकी गलत सोच है, जो अच्छी सोच उनकी नहीं है, सबके नहीं हम कहते, जी कुछ आदमियों के दिमाग की उपज है जिन्होंने इस तरह का ये वो कर दे और इस तरह बड़ी छवि खराब हो, भाजपा की छवि खराब हो रही इस तरह। ये ऐसा काम ना करे, हम कहाँ कहाँ इन्हें समझावे, ये ऐसा काम ना करे। इन्होंने तो एक तनाव पैदा कर दिया, ऐसा काम ना करे, अपना ठीक काम करे, जो जनता का काम है। इनके हाथ में सत्ता आएगी ना, थोड़ा एक भाई ये सीधी तार देंगे लोगों के। कुछ एक लोग कह रहे हैं कि देखिए, नहीं खुद जानबूझ के भी कराया जा सकता है इस तरीके की नहीं, चीजें। जानबूझ का क्या मकसद है उनका? उन्हें इलेक्शन लड़ना भी तो विधायक हो गए, मैं सारी वो है बातचीत अलग, जानबूझ का क्यों करेंगे? क्या मकसद है उनका जानबूझ का? कोई नहीं करता। इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब मदन भैया विधायक बनकर आ रहे थे तो उनका काफिला रोका गया, तो क्या ये डर है सरकार के अंदर, खासकर भाजपा के अंदर? आपको क्या लगता है? एक तो देखो, यहाँ से पूरी लखनऊ की टीम, भाजपा जो लखनऊ, ये सारे के सारे इलेक्शनों में थे, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे, केंद्रीय मंत्री भी आ रहे और मंत्रियों की फौज आ रही, सारा का सारा अमला यहीं था, प्रशासन का पूरा सहयोग था। और फिर भी लोगों ने, इसके बावजूद भी लोगों ने यह सीट जिता दी, तो कहीं ना कहीं तो विरोध तो है, इनके उल्टे सुधे कामों का तो विरोध है। तो क्या गठबंधन में जो ये प्रत्याशी जीते हैं, इसका डर सता रहा है भाजपा को कि काफिले रोके जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं, जांच होगी इसकी, सही नहीं आपको लगता है? भाई, जांच होनी चाह, हम इसके उसमें नहीं, भाई हम ऐसे जांच होनी चाह। और जो ये आदमी है जिन्होंने ऐसा काम करा, तो उन तो बूझ जा जाए भाई, इस तरह का क्यों कर रहे? पढ़ा लिखा समाज है, सारी वो बातचीत ऐसे नहीं करना चाहता। वहां से पिछले साल लखीमपुर में एक भाजपा का मंत्री है, उन मतलब उसे इतना गुस्सा आया कि लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। कहा कि मानवता है, आखिर को ताकत है, इसे थामने भी तो चाह, मतलब कुछ ही सब सब कुछ सीमाएं लांघ के मानवता बिल्कुल तार तार कर दी।